में आपको मैं अमेजोन वेब सर्विसेज के फ्री अकाउंट के साइन अप का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो साइन अप करने के लिए आप aws.amazon.com की वेबसाइट पे जाएंगे और क्रिएट अ फ्री AWS क्रिएट एन AWS अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ये कोई भी वैलिड ईमेल एड्रेस हो सकता है, ये जीमेल का एड्रेस भी हो सकता है, आपका कंपनी स्पेसिफिक डोमेन का एड्रेस भी हो सकता है। उसके बाद आप इस अकाउंट के लिए पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें उसका मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लंबा होना ज़रूरी है, वो AWS के अकाउंट नेम से एसोसिएटेड ना हो, उसमें एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहा हो। तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आप कोई पासवर्ड रखें, उस पासवर्ड को रिपीट करें टू कंफर्म, और उसके बाद आप अकाउंट को कोई भी नाम दे सकते हैं। ये नाम आप बाद में चेंज भी कर सकते हो, ये सिर्फ एक यूनिक आइडेंटिफायर है कि अकाउंट का नाम क्या है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, प्रोफेशनल या पर्सनल। आई वुड प्रेफर कि आप इसको पर्सनल अकाउंट के तौर के ऊपर साइन अप करें। आप अपना फुल नेम यहाँ पे रखें, अगर आप अकाउंट का नाम भी अपने नाम से रखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना वो वाला नंबर एंटर करें जो कि जिसके ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज रिसीव कर सकें, क्योंकि अमेजोन वेब सर्विसेज आगे जाके इस नंबर के ऊपर आपको एक कोड भेजेगा। उसके बाद आप कंट्री सेलेक्ट करें, अपना एड्रेस एंटर करें, उसके बाद अपनी सिटी एंटर करें, स्टेट पाकिस्तान में जिस तरह पंजाब, सिंध, फेडरल कैपिटल हो सकता है, उसके बाद पोस्टल कोड, और एंड के ऊपर ये जो चेक बॉक्स है इसको चेक कर दें कि आप टर्म्स और कंडीशन से एग्री करते हैं। उसके बाद क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगी। यहाँ पे आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद अपने क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट एंटर करें, उसके बाद जो कार्ड होल्डर का नाम है अगर आपके नाम पे, आप अपना नाम एंटर कर दें, जिसका भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसका भी जिसके नाम पे है वो भी नाम इसमें एंटर कर दें। उसके बाद अगर बिलिंग एड्रेस आपने जो पिछली स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट एड्रेस डाला है उससे डिफरेंट है तो वो डाल दें, अदरवाइज़ अगर वो सेम है तो बिलिंग एड्रेस को भी वही अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस रहने दें। उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे आपको बेसिकली एक आपसे वो वाला नंबर भी, वो दोबारा आप वही नंबर दोबारा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअली वो नंबर डालना है जिसके ऊपर AWS एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा। ये पिछले वाले नंबर से डिफरेंट भी हो सकता है, वही नंबर दोबारा भी हो सकता है। तो आप कंट्री और रीजन में पाकिस्तान सेलेक्ट करें और सेल फोन नंबर में अपना नंबर एंटर करें, और सिक्योरिटी चेक के लिए एक कैप्चा है जो कि आपको री एंटर करना पड़ेगा, और ये कैप्चा री एंटर करने के बाद आप सेंड SMS के बटन पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल के ऊपर एक 4 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा। जो आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव हो जाए तो आप उस वेरिफिकेशन कोड को एंटर करें और वेरीफाई कोड का बटन दबाएं। तो अब आपका जो मोबाइल फ़ोन नंबर है और आपकी जो बिलिंग सिस्टम है वो एसोसिएट होगी वेरिफिकेशन के साथ। अब ये डिफरेंट टाइप के सपोर्ट प्लान्स हैं। अभी फ़िलहाल आप फ्री टियर फ्री प्लान के ऊपर क्लिक करें क्योंकि इसमें सर्टेन चीज़ों की एक्सेस नहीं है, लेकिन फ्री फ्री प्लान में आपको कुछ बेसिक सपोर्ट पैकेजेस AWS ज़रूर प्रोवाइड करता है। इस पेज के ऊपर आपको कुछ एक्सपीरियंस आपके लिए पर्सनलाइज करने के लिए अमेजोन वेब सर्विसेज आपसे पूछ रहा है कि आपका रोल क्या है। तो अगर आप अपना रोल स्टूडेंट फॉर नाउ अगर कंसिडर कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली आप AWS को सीखने के प्रोसेस में हैं, और आप किन एरियाज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप वेबसाइट्स और वेब ऐप्स बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट्स और वेब ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये सिर्फ आपकी सर्विसेज को कस्टमाइज़ करने के लिए है। तो ये सब छोटा सा फॉर्म आप सबमिट कर लें, उसके बाद आप क्लिक करें साइन इन टू द कंसोल पे, तो आपका जो न्यूली क्रिएटेड अकाउंट है वो आपको लॉगिन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, रूट यूज़र की और IAM यूज़र की। अभी हम लोगों ने जो साइन अप किया है वो रूट यूज़र है, तो रूट यूज़र को सेलेक्ट करें, और जो ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया था साइन अप करने के लिए वो ईमेल एड्रेस एंटर करें।
उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और जो पासवर्ड आपने रखा था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दें। साइन इन पे क्लिक करें। और आप अपने AWS के मैनेजमेंट कंसोल में पहुंच चुके हैं। ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग अब कुछ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एस्पेक्ट को देखना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।